डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर जो अकोला के उप जिला अधिकारी है राजेश जी खौले इनकी जो संकल्पना है उसमें से समतेचे महाकाव्य जो एक हज़ार कविताओं का एक खंड बनने जा रहा है उसके बारे में हम आर्नी से तो दीक्षा भूमि ये 200 किलोमीटर का अंतर साइकिल से हमारे सभी साथियों के साथ दीक्षा भूमि पर आज हम पहुँचे हैं आज का दूसरा दिन है तो इस दौरान जो भी छोटे बड़े जो गांव हमें लगे कस्बे हमें लगे और जो स्कूल कॉलेज लगे वहाँ पर जाकर हमने सभी विद्यार्थी विद्यार्थी और शिक्षक वर्ग या आम नागरिक सभी को हमने ये आह्वान किया है कि डॉक्टर बाबा साहेब के जीवन पर जो महाकाव्य बनने जा रहा है उस पर आप अपनी कविताएं हमें भेजिए वो कविताएं ईमेल जो उसमें एड्रेस दिया है और कुछ हमारे व्हाट्सअप नंबर है उस पर देने के लिए हम आह्वान करते आए हैं और यहाँ से आह्वान करते आर्नी दोबारा वापस जाने वाले हैं तो आना और जाना ऐसा 400 किलोमीटर हमने साइकिल से पूरा किया है आज नागपुर की इस दीक्षा भूमि पर आर्नी से साइकिलिंग करते हुए बघेल जी और उनका पूरा आ, साथी और मित्र परिवार यहाँ पे आ, आज पहुँच पहुँच गए हैं इसके पीछे कारण ये है ये संकल्पना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके जीवनी पे आधारित उनके तत्वज्ञान पे आधारित पाँच हज़ार कविताओं का संग्रह या संच उसका पहला खंड एक हज़ार कविताओं का रहेगा उसका नाम है समतेचे महाकाव्य इसको लेकर प्रचार प्रसिद्धि करने के लिए ये साइकिल पे जो साइकिलर्स यहाँ पे आए हैं आज उनका आज हमने यहाँ पे स्वागत किया है पूरे महाराष्ट्र से यानी पूरे देश से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी पे बहुत सारी कविताएँ संकलित हो रही है इस माध्यम से हम आपको यहाँ के जो अम्बेडकारी विचारधारा है समता के विचारधारा के लोग हैं उनको हम आह्वान करते हैं हमको प्रार्थना करते हैं कि कृपया अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवनी पे और उनके फिलोसॉफी पे आधारित अगर कोई कविताएं आपके पास हो तो ज़रूर इस ईमेल पे जो समते का महाकाव्य बोल के जो हमने प्रसारित किया है व्हाट्सअप नंबर पे आप दे सकते हैं थैंक यू नागपुर शहर के इस पवित्र दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पाँच कविताओं का एक संग्रह जिसमें सारी बाबा साहब के ऊपर कविताएँ हैं वो कविताएं प्रकाशित करने का संकल्प अकोला के उपजिलाधिकारी खवले जी इनके प्रयत्न से आर्नी के कुछ यू, सात युवक जो आर्नी से कल निकले हैं वो आज पवित्र दीक्षा भूमि पर आए हैं और बाबा साहब के काव्य का प्रचार प्रसार कर, करते हुए वो आए हैं रास्ते में जो स्कूल कॉलेजेस मिले जो लोग मिले उन्होंने उनका उनको उसके पत्रक दिए उनके इस उपक्रम को मैं शुभेच्छा देता हूँ और पवित्र दीक्षा भूमि पर उनका स्वागत करता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाबा साहब के पाँच हज़ार कविता एक नया संकल्प ये युवकों ने किया है और आज बाबा साहब सभी धर्मों के लोग बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं ये बाबा साहब के मिशन का विजय है मैं उनको दिली बधाई देता हूँ और दीक्षा भूमि पर उनका स्वागत करता हूँ मैं सबसे पहले हमारे जो साइकिलिस्ट जो आर्नी से चलकर कर यहाँ तक आए हैं सबसे पहले उनका स्वागत करूँगा और साथ ही धन्यवाद अदा करूँगा जो लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये सब की बात आप देखेंगे कि आने वाले लोगों में जो सरनेम है हम देखते हैं कहीं बघेल है कहीं गिरी है कहीं ठोकर है ये सरनेम बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और ये जो ये संकल्प जिस जिन्होंने रखा हुआ अभी आपने सुना हो सुना होगा कि रेवेन्यू के एक अधिकारी जिनका नाम है खौले ये संकल्पना अभी बाहर हो गई है कि सिर्फ मतलब आम्बेडकर आदि लोगों ने आम्बेडकर जिनके सरनेम जो ठहराविक जो होते हैं एक सांचे में ढले हुए थे वही लोगों ने काम कर रहे हैं कालवाई ये बात हो गई है अभी वह इतना फैल गया इसमें जात पात धर्म यह बातें सब ये। पार कर गई है सारी मर्यादाओं के पार चली गई है यह मिशन अभी से मतलब नागपुर भारत तक का नहीं रहा है ये पूरा वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस टीम को उस खबरे सर को और उनके पूरे टीम को कि जिन्होंने इसमें अग्रसर होकर यह निर्णय लिया है और जो कि इतिहास बनाने जा रहा है जो इसके पहले नहीं हुआ और उसकी शुरुआत जो इन बच्चों ने जो शुरू करी है मैं सभी का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और इस सब में आपको मतलब एक खुशी की बात बता दूँगा हमारे आम, सर ने बामारे सर ने बता दिया है कि पहले खंड की पूरी तैयारी हो गई है उस इसमें करीब हमारे पास सत्रह अठारह सौ कविताएँ ऑलरेडी जमा हो चुकी है जो कि पहले तीन अंक मराठी में निकलने वाले हैं और बाकी के दो अंक जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में होने वाले हैं इसलिए सभी भाषाओं को उसमें प्रतिनिधित्व तो मिलेगा और जो लोकल भाषा हैं उसको भी उसमें मतलब प्रतिनिधित्व तो मिलेगा तो यह तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है और इसमें जो जो लोग सहभाग ले रहे हैं उसमें जात पात धर्म या क्षेत्र बंधन भी नहीं है उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उन सभी लोगों का अभिनंदन भी करूँगा और मैं विनती करूँगा कि हमारे जी भी उनके मनोगत व्यक्त करें धन्यवाद जे समते जब महाकाव्य जो निर्मित होने जा रहा है मैं नागपुर जो बाबा साहब की कर्मभूमि है यहाँ पे कम से कम दस हज़ार सब कवि यहाँ पे है इस सब कवि लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि इन्होंने बाबा साहब के जीवन और तत्व ध्यान पे कविताएं ये समते का महाकाव्य के जो हमारा ईमेल है इस पर आपका आ, काव्य डाले और ये जो अपना पाँच हज़ार का जो रिकॉर्ड है ये अपन इसको पचास हज़ार करके दिखाएंगे नागपुर वाले ऐसे मैं आपको आह्वान करता हूँ धन्यवाद जय भीम यहाँ पर जो काव्य संग्रह निकलने जा रहा है मैं सराहना करता हूँ कि इससे एक समाज प्रबोधन सामाजिक प्रबोधन और संस्कृति का प्रबोधन होगा कविता संग्रह के माध्यम से जो संग्रह घर में रहेगा तो बच्चे घर के बच्चे संस्कृति को पढ़ेंगे ये यह यहाँ से आप लोगों को दिखाया जाएंगे और मैं शिक्षक लोगों से प्रोफेसर लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप लोगों ने आपके पास जो कविता ही है कविता बन, बनी हुई है वो इन यहाँ पर आप लोग संग्रह में देने की कृपा करें धन्यवाद समतेचय महाकाव्य नाम का ये महा उपक्रम जो कुछ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के परिकल्पना से यहाँ पूर्ण होने जा रहा है मैं इस पूरे उपक्रम के नागपुर वासियों के तरफ से अभिनंदन करता हूँ और ये जो साइकिल इस मैसेज को गांव कस्बों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं इनके इस प्रयत्न को भी मैं यहाँ पर सराहना करता हूँ आप सभी को शायद मालूम होगा कि दुनिया में एक सर्वे हुआ था कि सबसे ज़्यादा स्टैचूज़ किसके हैं और स्पॉन्टेनियसली लोगों ने अपने आप में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अपने एक मार्गदाता के रूप में उनके स्टैचूज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा है ये आ चुका है मेरे मेरा मानना ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बाबा साहब आम्बेडकर पे आज भी आम्बेडकर जी पे आज भी पचास हज़ार से ज़्यादा या पांच लाख से ज़्यादा कविताएं होंगी वो इतने प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व है कि जगह जगह पे छोटे बच्चों तक आज बाबा साहब पे कविताएं करना शुरू है लेकिन एक ऐसा कोई ग्रंथ या एक ऐसा कोई महाकाव्य नाम का कोई ग्रंथ नहीं बना हुआ था जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी माना जाएगा तो ये जो परिकल्पना है ये जो प्रयत्न है ये सराहनीय है मैं इन्हीं इन सबके इस इस परि इस उपक्रम में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कोऑपरेटिव बैंक तथा ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एस सी एस टी वेलफेयर के एसोसिएशन असु, के तरफ से ये जो सम्मति सा महाकाव्य ये जो बनने जा रहा है खवले साहब ने जो इनकी कल्पनाओं से पाँच हज़ार कविता का वो जो संग्रह बनने जा रहा है और तथा इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए जो यहाँ पे साइकिल सवार जो आया है मैं उनको हार्दिक दिल से शुभेच्छा देता हूँ और ऐसा ही उपक्रम करते रहो तो बाबा साहब का नाम सभी पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा काव्य में पुतलों में लेखक में सभी तरफ इस तरह से साहित्यिक रूप में प्रसार हो धन्यवाद सबसे पहले इस पवित्र दिव्या पवित्र तो दीक्षा भूमि पर आए हुए हमारे सभी जवान ज़ा साइकिलिंग करते हुए जो आए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनका जो संकल्प है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कवि इस आधार पर खवले साहब ने जो संकल्प किया है बाबा साहब के विचारों को यह देश नहीं तो विदेशों तक फैलाने का सारे विश्व में बाबा साहब को प्रसार और प्रसारित करने का संकल्प किया है उसको पूरा करने के लिए इस टीम ने इस जवान टीम ने वो विचार मन में लाया खवले साहब के विचारों को स्वीकृति दी और उन्होंने आज अपना ये जो साइकिलिंग किया आरनी से नागपुर पवित्र दीक्षा भूमि पवित्र भूमि से पर आरनी और पाँच हजार कविता का संकल्प पूरा करने का उनका जो ध्यास है वो पूरा जरूर होगा इसमें कोई दो दो मत नहीं क्योंकि जिंदगी में आते हैं तूफान फिर भी न होना परेशान आप कोई परेशान मत हो जाइए जिंदगी में आते हैं तूफान फिर भी न होना परेशान बाबा साहब आम्बेडकर जी की लेते रहो प्रेरणा जीवन हो जाएगा महान देश बन जाएगा महान और ये पाँच हज़ार गविता का संग्रह बन जाएगा भारत में महान देश में महान विदेश में महान मैं इसी के साथ अपने विजेत समाप्त करता धन्यवाद